हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे अपनी चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद आप सभी अच्छे से होंगे। आज हम आपके सामने लेके आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 12, जिसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिससे रिलेटेड आगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड आगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, तो इसको समझना क्या आपके लिए बहुत 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 आवश्यक है ना। तो देखिए इसकी भूमिका क्या है, कैसे हम इसको समझ सकते हैं, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मान लीजिए सपोज, देखिए हुआ क्या, कहानी कहां से स्टार्ट हुई है ना भाई। दो चार्ज थे, मान लीजिए एक चार्ज था आपका Q1 और दूसरा चार्ज मान लीजिए क्या था आपका Q2। दोनों के बीच में सेपरेशन कितना था, R। हम जानते हैं कि दोनों एक दूसरे पे क्या लगा रहे हैं, आपका फोर्स है ना भाई। अगर पॉजिटिव होंगे तो रिपल्सिव फोर्स है ये, है ना। बट दिक्कत क्या हुई, जब हम इसको विजुअलाइज करना चाह रहे थे, देखिए अगर दो ऑब्जेक्ट्स कॉन्टेक्ट में हो तो हमें समझ में आता है कि हाँ एक दूसरे पे फोर्स लगा सकते हैं। ये एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में भी नहीं है, फिर भी एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। हमें वो विजुअलाइज करने में दिक्कत थी, उस विजुअलाइजेशन को आसान बनाने के लिए कॉन्सेप्ट आया, डेट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम कॉन्सेप्ट है ना, अपने ग्रेविटेशन में भी पढ़ चुके आप वैसे क्लास 11th में, जहां पे क्या होते थे, दो मास होते थे ना M1 और M2। यहां भी कॉन्टेक्ट नहीं था फिर भी फोर्स था, तो वहां पे भी समझने के लिए एक टर्म आई थी, दैट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड। कोई नहीं, इधर समझ लेते हैं। तो यहां किसी प्रकार का कॉन्टेक्ट नहीं है फिर भी आपका फोर्स आ रहा है, इसीलिए यहां पे एक टर्म डिफाइन की जाती है, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होती है वो टर्म, क्या उसका सिग्निफिकेंस है, कैसे उसको डिफाइन करते हैं, वो सब समझेंगे इसी लेक्चर में। देखते रहिए लेक्चर को लास्ट तक, आपको अच्छी बातें पता जरूर चलेगी, मेरा वादा है। देखिए मान लीजिए सपोज मेरे पास एक चार्ज था कैपिटल क्यू। क्या था, एक चार्ज कैपिटल क्यू। बोला क्या जाता है कि हर एक चार्ज, ये जो चार्ज है ना, अपने चारों तरफ कुछ ना कुछ चेंज करेगा, है ना। फॉर एग्जांपल मैंने चार्ज लिया, ये अपने चारों तरफ के एनवायरमेंट में ना कुछ चेंज करेगा। उस चेंज को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चार्ज अपने चारों तरफ के वातावरण में, एनवायरमेंट में कुछ ना कुछ चेंज करेगा, डेट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड। और जैसे ही उसके चेंज किए हुए सराउंडिंग में कोई चार्ज आया, तो उस पर या तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा या कैसा फोर्स लगेगा आपका, अट्रैक्टिव फोर्स, है ना। इसने अपने चारों तरफ के वातावरण को चेंज किया, जैसे ही उस वातावरण में कोई और चार्ज आया, मान लीजिए कोई और चार्ज आया क्यू नोड, तो उस पे या तो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा या फोर्स ऑफ रिपल्शन। ऑब्वियसली सेम नेचर की हुए तो रिपल्सिव लग जाएगा, और अपोजिट नेचर की हुए तो क्या लग जाएगा आपका, अट्रैक्टिव। तो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट कि चार्ज अपने चारों तरफ के वातावरण को चेंज करता है, और उस वातावरण में कोई चार्ज लेके आते हैं तो उस पर क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, है ना। अब जिसने वातावरण चेंज किया, जिसका फील्ड हम स्टडी करना चाह रहे हैं, उस चार्ज को हम क्या बोलते हैं भाई, सोर्स चार्ज। क्या बोलते हैं उसको हम, सोर्स चार्ज। और जो आप टेस्ट करने के लिए लाए हो भाई, इसने फील्ड प्रोड्यूस किया, पता कैसे चलेगा, जब फोर्स लगेगा तब पता चलेगा। तो इसको आप टेस्ट करने के लिए लाए हो, तो इस चार्ज को हम क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं इसको हम, टेस्ट चार्ज। तो बेटे तीन टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे, एक तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, एक हो गया आपका सोर्स चार्ज, और एक क्या हो गया आपका, टेस्ट चार्ज। अपने चारों तरफ के वातावरण में चेंज करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ही दूसरा चार्ज आएगा उस पर क्या लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन। जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया उसको हम बोलते हैं सोर्स चार्ज, जिसको हम इस्तेमाल करें इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डिटेक्ट करने के लिए, वो क्या आपका, टेस्ट चार्ज। चलिए मैं इन डेफिनेशन थोड़ी थोड़ी लिख देता हूं ताकि आपको आसानी रहे। इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज द रीजन सराउंडिंग any charge in which any another charge can experience electrostatic force of attraction or रिपल्शन। इट इज द रीजन सराउंडिंग एनी चार्ज इन विच एनी अनदर चार्ज कैन एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, है ना।
उसके बाद दो टर्मिनोलॉजी और है, एक यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, सोर्स चार्ज, जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया, द चार्ज हुज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अंडर कंसिडरेशन, है ना। और एक क्या आपका टेस्ट चार्ज, स्टैंडर्ड नोटेशन है, क्यू नोट से ही डिनोट करते हैं। तो टेस्ट चार्ज क्या होता है कि पॉजिटिव ही लेते हैं वैसे हमेशा, चार्ज विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। याद रखिए टेस्ट चार्ज हमेशा क्या लिया जाता है, ये हमेशा पॉजिटिव एंड वेरी वेरी स्मॉल, क्या लिया जाता है आपका वेरी वेरी स्मॉल। उसका लॉजिक है ना, हम अपनी स्टडी के दौरान समझेंगे आज के लेक्चर में। तो ये जो टेस्ट चार्ज है हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, और कैसे लिया जाता है आपका वेरी 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 स्मॉल, क्या लॉजिक है उसको हम समझेंगे, है ना। डियर स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन, पॉज द वीडियो, आई एम गोइंग टू इरेज दिस। चलिए अब यहां पे ना हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस करनी है, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कई बार सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। इसमें क्या है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं भाई, ई, और मैंने वेक्टर लगा दिया था, आप समझ ही गए होंगे कैसी क्वांटिटी आपकी, वेक्टर क्वांटिटी, है ना। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को समझते हैं, हमने अभी तक सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज का डिस्कशन कर लिया। ये मान लीजिए क्यू आपका क्या हो गया, सोर्स चार्ज, और इससे कुछ दूरी पर हमने इसके फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए क्यू नोड रखा। टेस्ट चार्ज कितनी दूरी पर रखा, एट ए डिस्टेंस आर, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन किया गया, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना वो क्या होती है आपकी, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज। क्या होती है आपकी, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज, है ना। यानी कि कहने का क्या मतलब, अगर हम फोर्स को मतलब क्यू नोड पे जो फोर्स लग रहा है उसको चार्ज से डिवाइड कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। मैंने ये जगह बीच में खाली छोड़ी, इसका लॉजिक अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा आपको, है ना। अब देखिए होगा क्या भाई, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इस पे जो फोर्स है वो कहां लग रहा है आपका, इधर की तरफ, है ना। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड लेना चाहे तो एफ का मैग्नीट्यूड लेके क्यू नोट से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। एफ का मैग्नीट्यूड कितना था, के क्यू क्यू नोड बाई आर नोड का स्क्वायर, उसको हमें किससे डिवाइड करना पड़ा, क्यू नोड। अब क्यू नोड से क्यू नोड कैंसिल हो गया तो ये कितना बच गया आपका, के क्यू बाई आर नोड स्क्वायर। तो एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है आपका, के क्यू बाई आर नोड स्क्वायर। अगर हम ध्यान से देखें इस एक्सप्रेशन को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक तो किस पे डिपेंड करी, सॉरी हमने कैपिटल क्यू लिख रखा है, कैपिटल क्यू लिख दीजिए, एक तो किस पे डिपेंड करी आपकी, सोर्स चार्ज, और दूसरी किस पे डिपेंड कर रही है, वो लोकेशन, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक तो सोर्स चार्ज पे डिपेंड करी है, दूसरी वो किस पे डिपेंड कर रही है आपकी, लोकेशन, यानी कि वो टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यहां कहीं क्यू नोड आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। तो पहला इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज, है ना। अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए होगा क्या, इस चार्ज को हम स्मॉल क्यू लेते हैं, उसका लॉजिक समझा रहा हूं भाई। हम क्यू का फील्ड डिस्कस करना चाह रहे हैं, क्यू ने अपना फील्ड बनाया होगा कुछ ना कुछ, हम उसको डिस्कस करना चाह रहे हैं। अगर हमने क्यू नोड को बहुत बड़ा ले लिया तो उसका खुद का भी फील्ड आ जाएगा, और उसका फील्ड आएगा तो हो सकता है यहां पे इसके फील्ड को वो क्या कर दे, डिस्टर्ब कर दे या इफेक्ट कर सकता है,
उसको चेंज कर सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज के फील्ड को चेंज ना करें, इसलिए टेस्ट चार्ज को क्या लिया जाता है आपका एज स्मॉल एज पॉसिबल, क्या लिया जाता है आपका एज स्मॉल एज पॉसिबल, है ना। फिर से सुनिए, क्योंकि इसका भी फील्ड होगा, अगर फील्ड ज्यादा हो गया तो ओरिजिनल फील्ड को चेंज कर सकता है, वो अवॉइड करने के लिए इसका फील्ड काफी कम होना चाहिए, इतना कम कि चेंज ना करे। फील्ड कम कब होगा, जब चार्ज क्या हो कम, इसलिए क्यू नोड को क्या लिया जाता है वेरी 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 स्मॉल। और मैथमेटिक्स में वेरी वेरी स्मॉल लिखने का एक तरीका है, लिमिट लगा दो और क्यू नोड को क्या अटेंड कर दो जीरो, इसका मतलब क्यू नोड एक्चुअल में जीरो नहीं है, वो जीरो के काफी काफी करीब है। फॉर एग्जाम्पल ये वैल्यू हो सकती है 0.00001, है ना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपने लिमिट लगाया ना, लिमिट क्यू नोट टेंस टू जीरो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका लॉजिक क्या है, क्यू नोट को स्मॉल इसलिए लिया जाता है ताकि ये सोर्स चार्ज के फील्ड को डिस्टर्ब ना करे। तो ये बात हमें लिख लेनी चाहिए कि टेस्ट चार्ज इज टेकन एज स्मॉल एज पॉसिबल सो डेट इट डज नॉट चेंज द फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। तो कुछ पॉइंट्स क्या हो गए, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी आपके टेस्ट चार्ज से इंडिपेंडेंट होती है, और टेस्ट चार्ज को हम वेरी वेरी स्मॉल लेते हैं। क्यों स्मॉल लेंगे, तो ये सोर्स चार्ज के फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करेगा, है ना। अब और कुछ बात, ऐसा यूनिट क्या होगी भाई, सब बता सकते हैं। इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी बहुत ही आसान बात, देखिए फोर्स बाय चार्ज है ना, फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है आपकी न्यूटन, और चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होगी आपकी कूलम्ब। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की ऐसा यूनिट क्या होगी आपकी न्यूटन पर कूलम्ब। अच्छा डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा इसका, डायमेंशनल फॉर्मूला देखिए, ऊपर न्यूटन है, नीचे क्या आपका कूलम्ब, तो न्यूटन का क्या होता है आपका भाई एम एल टी माइनस टू, कूलम्ब का क्या होता है आपका ए टी, सोल्व करेंगे तो कितना आएगा एम एल, टी को ऊपर ले जाओ टी की पावर माइनस थ्री और ए की पावर माइनस वन। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगेन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड देख लिया है ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, क्या आपका के क्यू बाई आर नोड स्क्वायर, क्या आएगा आपका के क्यू बाई आर नोड स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन, आई एम गोइंग टू इरेज दिस। चलिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमने मैग्नीट्यूड तो देख लिया, क्या था आपका के क्यू बाई आर नोट स्क्वायर। डायरेक्शन और समझ लेते हैं, डेट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो देखिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होती है वो समझ लेते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या था, सिंपल था फॉर्मूला, ई किसके बराबर था, लिमिट में एक बार छोड़ रहा हूं, एफ नोड बाय क्यू नोड। यानी कि कहानी क्या है, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही किसकी डायरेक्शन होगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब टेस्ट चार्ज यूनिट टेस्ट चार्ज पे, या सॉरी जो भी टेस्ट चार्ज है उस पे जो फोर्स लगेगा वही किसकी डायरेक्शन होगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो मान लीजिए सपोज मेरा सोर्स चार्ज है कैपिटल क्यू, पॉजिटिव चार्ज है ना, और टेस्ट चार्ज कितना रखा मैंने क्यू नोड, कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, ये पॉजिटिव दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, तो इस पे फोर्स इधर लगा, फोर्स इधर लगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहां लगेगा, इधर की तरफ। इन शॉर्ट एक पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चार्ज से दूर जाएगा, है ना। यानी कि हम क्या कह सकते हैं इन शॉर्ट, कि इस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पे वो इधर की तरफ होगा ई एट ए डिस्टेंस आर। मतलब एक पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा आपका, रेडियली आउटवर्ड, चार्ज से दूर जाएगा। तो डायरेक्शन क्या होगी डियर स्टूडेंट्स की, आपकी रेडियली आउटवर्ड, है ना। अब सिमिलरली अगर आपका नेगेटिव चार्ज होगा, यहां पे सोर्स चार्ज नेगेटिव होगा, तो फोर्स इधर लगेगा इस पे,
फोर्स इधर लगेगा तो फील्ड भी कहाँ जाएगा, इधर की तरफ। कहने का क्या मतलब, अगर आपका सोर्स चार्ज माइनस क्यू हुआ तो आर डिस्टेंस पे जो फोर्स है इधर की तरफ, तो फील्ड भी कहाँ हो गया आपका, इधर की तरफ। यानी कि माइनस चार्ज के कारण कहाँ लगेगा आपका, रेडियली रेडियली इनवर्ड, है ना। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण लगेगा आपका रेडियली आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज के कारण कहां लगेगा आपका, रेडियली इनवर्ड, अवे फ्रॉम द चार्ज एंड टुवर्ड्स द चार्ज। चलिए डियर स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। चलिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपके सामने है, ये मैं ही समझा देता हूं, आप अटेम्प्ट मत कीजिए। ए टेस्ट चार्ज क्यू नोट इज प्लेस एट ए सेपरेशन आर फ्रॉम सोर्स चार्ज कैपिटल क्यू। बहुत बढ़िया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ई ग्रेटर देन एफ बाई क्यू नोट, ई लेस देन एफ बाई क्यू नोट एंड ई इज इक्वल टू एफ बाई। सर इसमें सोचने की क्या जरूरत है, आपने तो सी पढ़ाया है ना, ई बराबर क्या लिखा एफ बाई क्यू नोट। बेटे सोचने की जरूरत इसलिए है क्योंकि जब इस प्रकार का सवाल हो तो याद रखना, जब मैंने फॉर्मूला पढ़ाया ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नोट, तो उसके पहले क्या लगाया था, लिमिट क्यू नोट टेंस टू जीरो, पर यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। बाई चांस अगर यहाँ पे अगर ये ऑप्शन होता ना डियर स्टूडेंट्स की भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लिमिट क्यू नोट टेंस टू जीरो एफ बाई क्यू नोट, तो वो ऑप्शन क्या था आपका, डेफिनेटली करेक्ट। बट दिक्कत क्या हुई, यहाँ पे जो सोर्स चार्ज है ना उसको वेरी वेरी स्मॉल नहीं दिया गया है ना। एक्चुअल में होता क्या है, ये जो है ना ये आपकी एक्चुअल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या आपकी एक्चुअल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बट हम मेजर कैसे करेंगे भाई, मेजर तो हमारे पास एक ही तरीका है, फोर्स निकालेंगे चार्ज से डिवाइड करेंगे, तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे मेजर। तो दीज आर द एक्चुअल वैल्यूज एंड दीज आर द मेजर्ड वैल्यूज, इनको हम क्या कह सकते हैं, ये कैसी वैल्यूज है आपकी एक्चुअल वैल्यूज और ये क्या आपकी मेजर्ड वैल्यूज, है ना। अब समझते हैं क्या है कि भाई एक चार्ज था क्यू नोड, दूसरा चार्ज था क्यू एट ए सेपरेशन आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का तो फॉर्मूला वही है के क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना। अब क्या है, होगा क्या, ये चार्ज हमने स्मॉल नहीं लिया तो होगा क्या कि भाई फाइनली ये पॉजिटिव दोनों के बीच में रिपल्शन होगा तो सेपरेशन विल इंक्रीज। मान लीजिए सेपरेशन जब इंक्रीज हुआ तो मैंने वो सेपरेशन कितना मान लिया आर डैश, तो एफ बाई क्यू नोड, एफ बाई क्यू नोड की वैल्यू क्या आएगी भाई के क्यू। अब सेपरेशन आर नहीं है, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन हुआ, इंक्रीज हो गया कितना हो गया आर डैश, तो ये क्या आएगा आपका आर डैश का स्क्वायर, है ना। अब देखिए आपका आर डैश ज्यादा है ना, आर डैश ज्यादा है तो ये टर्म क्या हो जाएगी कम, ये टर्म कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गई ज्यादा, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर से सुनिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का तो वही फॉर्मूला आपका के क्यू बाई आर स्क्वायर, बट अगर एफ बाई क्यू नोड आपको निकालना है तो होगा क्या, ये पॉजिटिव दोनों के बीच में रिपल्शन, सेपरेशन इंक्रीज हो जाएगा, तो एफ बाई क्यू नोड की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज सेपरेशन लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे, और ये वैल्यू ज्यादा है तो ओवरऑल एफ बाई क्यू नोड कम हो जाएगा, ये कम हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सिमिलरली इसी सवाल में मैं आपसे पूछ लेता हूं, अगर मेरा सोर्स चार्ज प्लस क्यू की जगह माइनस क्यू होता तो क्या होगा, अगर माइनस क्यू होगा तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, सेपरेशन कम हो जाएगा, तो एफ बाई क्यू नोड की वैल्यू क्या हो जाएगी ज्यादा, तो उस केस में कौन सा ऑप्शन आता है आपका, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए पॉज द वीडियो एंड नोट दिस क्वेश्चन डाउन, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड गुड क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन। चलिए डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए क्वेश्चन है, सिंपल सवाल है, पहले इसको रीड कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बिंग नाज इन सीबीएसई 2014 और इसी साल मैंने सीबीएसई एग्जाम लिखा था, मेरे सेट में ही था, मेरा ठीक भी हुआ था है ना। चलिए देखते हैं, समझते हैं, बहुत ही बढ़िया बात, शानदार बातें। टू पॉइंट चार्जेस 6 प्लस 6 क्यू एंड माइनस 8 क्यू आर प्लेस ऑन द वर्टिसेस बी एंड सी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड है ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस चार्जेस एट वर्टेक्स ए। देखिए आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है डियर स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना।
ये आपका ए पॉइंट हो गया, ये आपका बी पॉइंट हो गया, और ये क्या हो गया आपका सी पॉइंट, है ना। अब बी पे चार्ज कितना रखा आपका +6Q, और सी पे चार्ज कितना रखा है भाई आपका -8Q। देखिए जब एक से ज्यादा चार्ज आए ना तो प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन यहां भी वैलिड है। वही स्टेप से, पहला स्टेप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनाइए, वहां हम फोर्स की डायरेक्शन बनाते थे। सेकेंड स्टेप उसका मैग्नीट्यूड लिखिए, वहां हम फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखते थे। थर्ड स्टेप क्या करना आपको, वेक्टर एडिशन। अब देखिए मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट वर्टेक्स ए, तो वर्टेक्स ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ बी का भी होगा और कुछ ना कुछ किसका होगा, सी का। अब देखिए बी पॉजिटिव चार्ज है, हमने सीखा था कि पॉजिटिव चार्ज के कारण तो कहां होता है, रेडियली आउटवर्ड चार्ज से दूर। तो ये तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई किसके कारण, ड्यू टू बी, है ना। अब सी देखिए, सी कैसा चार्ज आपका, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के कारण जो टुवर्ड्स द चार्ज या रेडियली इनवर्ड, ये क्या आ गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके कारण, ड्यू टू सी। पहला स्टेप डियर स्टूडेंट्स हमने कंप्लीट कर लिया है कि हमने क्या बना ली इसकी डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड देखते हैं, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ई बी कितना आएगा भाई, फॉर्मूला क्या था, के क्यू बाई आर स्क्वेयर, तो के बी पे चार्ज कितना आपका 6Q बाय सेपरेशन। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ए दी है तो सेपरेशन कितना हो गया आपका ए स्क्वेयर। अब के क्यू बाई ए स्क्वेयर को मैं एफ मान के चल रहा हूं, या ई मान लो, ई क्या आपका के क्यू बाई ए स्क्वेयर, तो ये कितना हो गया आपका 6E। सिमिलरली मैं मैग्नीट्यूड लिखना चाह रहा हूं सी के कारण के, ठीक है, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, ये चार्ज माइनस है, फिर भी मैं यहां पे क्या लिखूंगा 8Q, क्योंकि माइनस तो डायरेक्शन की है, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वेयर, डिस्टेंस का स्क्वेयर कितना हो गया आपका ए स्क्वेयर। अब के क्यू बाई ए स्क्वेयर आपका ई है, तो इसको क्या लिख दिया मैंने 8E। दो स्टेप हो गए, डायरेक्शन हो गई और आपका मैग्नीट्यूड। अब देखिए ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो गया पूरा तो 180 बनेगा, ये कितना हो गया आपका 120, मतलब कि ई बी और ई सी में कितना एंगल है 120। तो नेट अगर आपको निकालना है तो दोनों का वेक्टर एडिशन, इतना हम सीख चुके हैं वेक्टर एडिशन कैसे होगा, अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2AB कोस थीटा, तो ए स्क्वेयर मतलब 6E का स्क्वेयर 36E स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर 8E का स्क्वेयर मतलब 64 ई स्क्वेयर प्लस 2AB कोस थीटा 2A कितना है भैया आपका 6E, बी कितना आपका 8E कोस 120। पहले ही बताया था कोस 120 कितना होता है आपका -1/2। आपको ये सोल्व करना है तो कितना आएगा देखिए, 36 प्लस 64 ये तो हो गया 100 ई स्क्वेयर, तो अंडर रूट 100E स्क्वेयर, ये देखिए कितना हो गया 2 से 2 कैंसिल, तो -48E स्क्वेयर, तो यह आ गया अंडर रूट 52E, ई की वैल्यू ऊपर रही के क्यू बाई ए स्क्वेयर, दिस विल बी द आंसर। यूनिट जरूर लिख दें हमेशा, तो आपको दी नहीं गई है तो वैसे भी यूनिट क्या होती है इसकी, न्यूटन पर कूलम, है ना। तो अंडर रूट 52 सॉरी डियर स्टूडेंट, अंडर रूट 52 के क्यू बाई ए स्क्वेयर। चलिए नोट दिस क्वेश्चन डाउन, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर दिस लेक्चर, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर अवर यूट्यूब चैनल, थैंक यू वेरी मच।